दोस्तों झारखंड के 13 सरकारी योजना का अपडेट मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा जारी किए गए योजना है। योजना बच्चे से बूढ़े तक के लिए है, जो कि आप इसमें से किसी भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आवेदन कैसे करें, कहां से करें एंड कैसे लाभ मिल सकता है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मैं हूं आपका भाई किशोर, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड लगातार सही अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर देख सकते हैं कि आज के वीडियो में जो योजनाओं का अपडेट मैंने लिया है वो आज के न्यूज़पेपर से लिया गया है, 16 सितंबर 2024 से लिया गया है, दैनिक जागरण से लिया गया है। आज के न्यूज़पेपर से जो अपडेट हमारी सरकारी योजना से रिलेटेड आई हुई है वो है सर्वजन सरकार सभी के हितों से सरोकार से संबंधित यहाँ पे योजना है। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं हर एक योजनाओं के बारे में बात करेंगे। पहली योजना जो की सबसे ज्यादा अभी लोकप्रिय होती जा रही है वो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। यहाँ पर देख सकते हैं इस लिस्ट में पहले नंबर पे हमारे सामने जो निकल के आई है वो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसमें 18 वर्ष की सभी महिला और लड़की इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं और इससे ऊपर और 50 वर्ष से नीचे की सभी महिला और बहन इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्ष में 12,000 रुपए सरकार देती है, प्रति महीने 1,000 रुपए सरकार देती है। आपके बैंक खाता में बिना किसी परेशानी का इस योजना का पैसे दिया जा रहा है। यदि आप आवेदन कर दिए हैं तो पहली किस्त की राशि शायद आपको मिल गया होगा, तो बैंक खाता को आप चेक करा लीजिए। और यदि आप आवेदन पिछले महीने किए हैं तो दूसरी किस्त की राशि भी शायद आपके बैंक खाता में मिल गया होगा, और नहीं मिला है तो 5-6 दिन के अंदर ही आपके बैंक खाता में दूसरी किस्त की राशि 1,000 रुपए भेज दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत नया आवेदन करने का कोई खास प्रोसेस नहीं है, अपने नजदीकी किसी भी सीएससी सेंटर या फिर सरकार आपके द्वार या पंचायत कार्यालय या प्रखंड में आवेदन कर सकते हैं। अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड अपना या पति का या पिता का एंड एक आवेदन फॉर्म जो कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है, उसमें एक फोटो चिपका के आपको आवेदन करना है। बहुत ही सिंपल है, आवेदन करके आप इस योजना का लाभ बड़ी आसानी से ले सकते हैं। यदि आप झारखंड की महिला है, झारखंड की बेटी है, झारखंड की बहन है तो इस योजना का लाभ आपको 100% मिलेंगे, क्योंकि इस योजना का लाभ झारखंड की सभी बहन बेटियों को दिया जा रहा है। दूसरा योजना सबसे बड़ी योजना यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि है छात्रवृत्ति योजना। वैसे तो छात्रवृत्ति योजना अलग अलग तरीके से है, अलग अलग प्रकार से है, लेकिन यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं वो मडर गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत आप देख सकते हैं विदेश में उच्च शिक्षा के लिए वंचित वर्ग के युवाओं को राज्य सरकार दे रही है 100% स्कॉलरशिप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि छात्रवृत्ति का अलग अलग प्रकार है, जैसे कि प्री मैट्रिक का छात्रवृत्ति, पहला से लेकर 10वां तक के स्टूडेंट को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा रहा है। यदि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वैसे स्थिति में सरकार आपको छात्रवृत्ति का लाभ दे रही है। यदि आपके बच्चे 10वां से आगे चल गए हैं यानी पोस्ट मैट्रिक, तो इंटर से लेकर आपको आगे तक की हर एक क्लास में छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा रहा है ई कल्याण के माध्यम से। इसके लिए भी आवेदन अभी फिलहाल जारी है और जिनका आवेदन पहले से हो चुका है पिछले वर्ष का, स्टूडेंट को छात्रवृत्ति का लाभ मिलना शुरू भी हो चुका है और जिनको नहीं मिला है उनको जल्द ही मिल जाएगा। स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं विशेष इन्फॉर्मेशन के लिए। और यहाँ पे जो छात्रवृत्ति की बात कही गई है वो है विदेश में जाके उच्च शिक्षा, यदि आप लेना चाहते हैं तो इस योजना के अंतर्गत आप छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हैं, जिसमें 100% स्कॉलरशिप आपको दिया जाता है, यानी जितना आपका खर्चा होगा टोटल पैसे आपको छात्रवृत्ति के आधार पे आपको दिया जाएगा। तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी अवसर है, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तीसरा नंबर में बात हम लोग कर लेते हैं, ये तीसरा नंबर वाली योजना जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के अंतर्गत झारखंड के वैसे सभी स्टूडेंट जिनको हायर एजुकेशन की जरूरत है और पैसे की कमी की वजह से कोई भी हायर एजुकेशन कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम आप यदि मैट्रिक पास हैं तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अंतर्गत यहाँ पे देख सकते हैं 15 लाख रुपए तक का ऋण आपको दिया जाता है बिना किसी गारंटर का, बिना किसी कोलेटरल फी का, बहुत ही कम ब्याज में आपको ये ऋण दिया जाता है। इसके लिए आपको आवेदन करना होगा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इंटरनेट में लिख के सर्च करेंगे वहां पे एक वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा और उस वेबसाइट के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत आप आवेदन खुद से कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए कोई खास डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके गार्जियन का आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज का फोटो, बैंक पासबुक एंड आपका मार्कशीट वगैरह, जो भी आप जैसे कि मैट्रिक पास कर गए हैं या फिर इंटर पास कर गए हैं तो जो भी मार्कशीट है आपका वो लगेगा। साथ ही आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं उसका फी का पूरा डिटेल्स लगेगा, कहां पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज से, उस यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से संपर्क करना होगा, वहां पे फी से रिलेटेड संपूर्ण डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। ये सारा इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन करते समय आपको फिलअप करना होगा। ये सारा चीजें को फिलअप करने के बाद आपका गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाएगी और जिसमें आपको 15 लाख रुपए तक का बिना किसी कॉलेटर फी, बिना किसी
गारंटर का आपको लोन दिया जाता है केवल 4-5% की ब्याज पे। दोस्तों यहाँ पे चौथे नंबर पे हम लोग योजनाओं की यदि बात करें तो चौथे नंबर पे योजना है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, जो कि स्पेशल लड़कियों के लिए है। यदि आपके घर में कोई बेटी है जो कि किसी भी सरकारी स्कूल में या कहीं पर भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको इस योजना का लाभ आप दिला सकते हैं यदि आप गरीबी रेखा की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार टोटल 40,000 रुपए देती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 40,000 रुपए प्रति किशोरियों को दिया जाता है। पहला पेमेंट इस योजना के अंतर्गत 8वीं क्लास में दिया जाता है 2,500 रुपए, फिर 9वीं क्लास में 2,500 रुपए, 10वीं में 5,000 रुपए और 11वीं में 5,000 रुपए और 12वीं क्लास में भी 5,000 रुपए। इस तरह से 20,000 रुपए टोटल 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट को दिया जाता है। उसके बाद शादी के समय 20,000 रुपए दिया जाता है एक मुफ्त में 18 से 19 साल की उम्र में। जहां पर भी आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहां के माध्यम से आवेदन किया जा रहा है। आप इसके लिए अपने उस स्कूल के हेडमास्टर से संपर्क कीजिए, उनके माध्यम से आवेदन किया जा रहा है, या फिर आप चाहे तो अपने सरकार आपके द्वार का जो कार्यक्रम झारखंड में लग रही है वहां पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म आपको नजदीकी किसी भी सीएससी सेंटर में मिल जाएंगे या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने भेज दिया, वहां से भी आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको लड़की का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पेरेंट्स में से किन्हीं एक का आधार कार्ड, स्कूल से एक फॉर्म आपको तैयार कराना पड़ता है, जो कि फॉर्म में ही आपको हेडमास्टर का साइन और मोहर होगा, वो सर्टिफाइड करेंगे कि आपके बच्चे कौन सा स्कूल में कौन सा क्लास में पढ़ रहे हैं। पांचवे नंबर की योजना की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक क्रेडिट लीकेज, जो कि महिला समूह के महिलाओं को दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत यदि आप लोन लेना चाहते हैं, आपके परिवार में कोई भी महिला लड़की जिनका उम्र कम से कम 18 से ऊपर हो चुका है, वो लोग यदि किसी भी समूह में जुड़े हैं, किसी भी महिला समूह जैसे कि एसएचजी ग्रुप या फिर कोई भी महिला समूह में जुड़े हैं, उस समूह से आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी आसानी से उन लोगों को लोन मिल जाती है। अगला योजना हमारे यहाँ पे है 6 नंबर पे, ये योजना है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। इस योजना के अंतर्गत आप इसमें सबसे बड़ी बेनिफिट है कि 40% सब्सिडी आपको दिया जाता है। कम से कम आप 50,000 रुपए इसमें लोन ले सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी गारंटर आपको नहीं लगती है। 50,000 से अधिक यदि आप लोन लेते हैं तो आपको गारंटर की जरूरत पड़ती है, और यदि आप वाहन ऋण लेना चाहते हैं तो वाहन ऋण में भी आपको कोई गारंटर की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना किसी कॉरेटर फी का आपको ये लोन मिल जाती है 40% सब्सिडी के साथ। यानी आप 1,00,000 रुपए इस योजना के अंतर्गत लोन लेते हैं तो उसमें 40,000 आपका माफ हो जाएगा, 50,000 लोन लेते हैं तो 20,000 आपका माफ हो जाएगा, मैक्सिमम इस हिसाब से 5,00,000 रुपया आपका माफ हो जाएगा यदि इस योजना के अंतर्गत आप लोन लेना चाहते हैं और कोई भी रोजगार शुरू करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाके। इसके लिए कोई खास डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, बैंक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स देना होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज का फोटो और एक एफिडेविट आपको तैयार कराना होगा अपने जिला में जाके। तो इतना डॉक्यूमेंट्स के साथ यदि आप 50,000 से ज्यादा की रुपए लेना चाहते हैं तो क्या बिजनेस करना चाहते हैं उससे संबंधित आपको डिटेल्स देना होगा और उसके साथ आप आवेदन करा सकते हैं। आवेदन हो जाने के बाद आपके आवेदन को जांच किया जाएगा और योग्य लाभुक पाए गए तो आपको स्वीकृति मिलेगी और आपके बैंक खाता में इस योजना का पैसे भेज दिया जाएगा। अगला योजना हमारा है 7 नंबर पे, जो कि आप देख रहे हैं राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना। ये योजना तो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। इस योजना का शुभारंभ 2023 में किया गया था और इस योजना के अंतर्गत अभी तक पहले टारगेट में 2,00,000 को आवास दिया गया और दूसरे टारगेट में 4,50,000 आवास का आवंटन आया है और इनमें से पहली किस्त की राशि जल्द ही राज्य सरकार जारी करने जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 20,00,000 लोगों का एक सूची बनाई गई है झारखंड में। इस योजना का सूची आ चुकी है, जो कि आप चाहें तो देख सकते हैं। उस योजना के अंतर्गत आप आवेदन कराए तो सूची में नाम यदि आपको है तो आपको 2,00,000 रुपए दिया जा रहा है घर को बनाने के लिए, प्लस में मनरेगा योजना से 25,000 के समथिंग आपको पैसे दिया जा रहा है। इसका आवेदन भी अभी नया हो रहा है, यदि आप आवेदन नहीं किए तो सरकार आपके द्वार में लगने वाली कैंप में भी जाके आप आवेदन करा सकते हैं। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, लेबर कार्ड, इतना ही डॉक्यूमेंट्स आपको इसके लिए लगता है। एक फॉर्म लगती है जो कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है तो वहां से डाउनलोड आप कर सकते हैं। अगला योजना यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्री एवं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो कि मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया कि स्कॉलरशिप कई प्रकार से है। तो ये स्कॉलरशिप के लिए आप आवेदन कर सकते हैं ई कल्याण के माध्यम से। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी आपका स्कूल के माध्यम से किया जाता है इस योजना का आवेदन और इसके अंतर्गत आपको प्रति क्लास में पैसे स्टूडेंट को दिया जाता है और पोस्ट मैट्रिक में खुद से आवेदन करना पड़ता है ई कल्याण पोर्टल के माध्यम से और इसमें प्रति क्लास में पैसे अलग अलग अमाउंट दिया जाता है, क्लास के हिसाब से बोनाफाइड आपको जमा करना पड़ता है, जितने आपको खर्चे हो रहे हैं उस हिसाब से आपको इसमें पैसे दिया जाता है। 9 नंबर में आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि सीएम उत्कृष्ट विद्यालय का भी उद्घाटन किया जा चुका है। इसमें 80 स्कूलों में सीबीएसई के माध्यम से पाठ्यक्रम लागू किया गया है। पंचायत स्तर पर कुल 5,000 स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जा रहा है। साइकिल वितरण योजना, क्लास 8 के सभी स्टूडेंट को साइकिल योजना का लाभ दिया जा रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सभी को साइकिल योजना का लाभ दिया जा रहा है। साइकिल दिया जा रहा है ताकि घर से स्कूल आसानी से स्टूडेंट जा सके। 11वां योजना आप यहां पे देख पा रहे होंगे मुख्यमंत्री बिरसा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसके अंतर्गत 15,00,000 रुपए का आपको स्वास्थ्य बीमा कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जैसे कि आयुष्मान कार्ड भारत सरकार के द्वारा सभी राज्यों में जारी किया गया है, कुल
लगभग ये वही प्रकार से योजना है, उसमें 5 लाख रुपए का आपको बीमा मिलती है, इसमें आपको 15 लाख रुपए का मिलता है। 15 लाख रुपए तक का आपको कोई भी बीमारी यदि ऐसा हो जाती है तो वैसे स्थिति में बिल्कुल फ्री में आपको 15 लाख रुपए तक का इलाज किया जाता है। तो इस योजना के अंतर्गत आप कार्ड बनवा सकते हैं, यदि आपके पास राशन कार्ड है तो नजदीकी किसी भी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से आप इसके लिए कार्ड बनवा सकते हैं। अगला योजना है बिजली बिल माफी से रिलेटेड। बिजली बिल माफी योजना का लाभ काफी बिजली बिल उपभोक्ताओं को मिल चुका है, जो कि मैंने इसको 12 नंबर पे रखा है। और यहाँ पे देख सकते हैं 200 यूनिट प्रति महीना बिजली फ्री भी दिया जा रहा है झारखंड के आम पब्लिकों को, जो कि टैक्स पेयर नहीं है। कृषि ऋण माफी योजना जो कि 13 नंबर पे है, इस योजना के अंतर्गत यदि आप कृषि ऋण माफी योजना का लाभ आप तभी ले सकते हैं जब आप केसीसी लोन ले चुके हैं और आप उसका लोन को आप जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। लोन माफी योजना का लाभ इसके अंतर्गत आपको दिया जा रहा है, इसके लिए आपको नजदीकी किसी भी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से आवेदन करना होगा, जिसमें 2 लाख रुपए तक का लोन माफ आपका किया जा रहा है। आई होप ये 13 प्रकार का योजनाओं का अपडेट जो मैंने आपको दिया एंड योजनाओं का लाभ आप कैसे ले सकते हैं संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिली। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए एंड ऐसे ही सरकारी योजना से संबंधित लगातार सही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।